जब हमने खुदा का जब हम जब हमने खुदा का नाम लिया उसने हमको इनाम दिया पाकिस्तान 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 मोहब्बत अमन है मोहब्बत अमन है उसका है पैगाम पाकिस्तान 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 मेरा पैगाम पाकिस्तान मोहब्बत अमन है नाम पाकिस्तान मोहब्बत अमन है मोहब्बत अमन है रिश्ता है पैगाम पाकिस्तान 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 मेरा पैगाम पाकिस्तान 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 आप भी कहें पाकिस्तान 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 अमन है काफी खास रहमत है बुजुर्गों की बशारत है खुदा की खास रहमत है बुजुर्गों की बशारत है खुदा की खास रहमत है बुजुर्गों की बशारत है और साथ साथ है दलेरों का शहीदों की अमानत है दलेरों का शहीदों की अमानत है पावन ही पावन है मोहब्बत ही मोहब्बत है तावन ही तावन है मोहब्बत ही मोहब्बत आप भी तावन मेरे साथ करें पाकिस्तान पाकिस्तान के खास रहमत है बुजुर्गों की बशारत है तावन ही तावन है मोहब्बत ही मोहब्बत है जब तारीख ने रखा है इसका नाम पाकिस्तान 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 मेरा पैगाम पाकिस्तान मोहब्बत अमन है मोहब्बत अमन है उसका है पैगाम पाकिस्तान 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 मेरा पैगाम पाकिस्तान 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 अंधेरों को मिटाएगा उजाला बन के आएगा अंधेरों को मिटाएगा उजाला बन के आएगा अंधेरों को मिटाएगा उजाला बन के आएगा जहाँ तक वक्त जाएगा इसे आगे ही पाएगा जहाँ तक वक्त जाएगा इसे आगे ही पाएगा मेरा ये दर्द की मेरा ये दर्द की बात का
बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा प्यारा पाकिस्तान हमें जान से प्यारा है और आज हम यहाँ जमे हुए हैं। अफरनिश, आज वोक को साल हो गया है, कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत अच्छा फील हो रहा है कि ना ही सिर्फ आज हमारे पास एक खुशखबरी है कि यहाँ पे उमर शरीफ साहब तशरीफ़ लेके आ रहे हैं, बल्कि एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि वोक को हमारे टेलीविज़न को लॉन्च हुए पूरा एक साल का अर्सा हो गया है। और आई वुड लाइक ऑल पाकिस्तानी टू अप्लॉज़ इन इट फर्स्ट ऑफ ऑल। वोक का ये सारा सफ़र बहुत ही इंटरेस्टिंग भी था, क्योंकि मीडिया का एक ऐसा फील्ड है कि जो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा ये सफ़र काफ़ी चैलेंजेस भी हमें थे, बीइंग इन ओवरसीज कम्युनिटी, हैविंग वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज, और बहुत स्टार्ट इनिशिएटिंग स्केल से काम करना जब आपका इंट्रोडक्शन टैलेंट से इतना ज़्यादा ना हो। नाउ वी आर फुल फ्लेज टीम, लेकिन उस वक्त हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स थे, लेकिन सबको कवर करते हुए फर्स्ट प्रोजेक्ट जो हमारा था वो 23 मार्च 2011 को लॉन्च हुआ था। उसके बाद 14 अगस्त को हमारा बाकायदा प्रोजेक्ट जो ऑन एयर हुआ था फ्रॉम द रॉयल टेलीविजन, दैट वाज द डॉक्यूमेंट्री फॉर द पाकिस्तान, एंड दैट वाज क्रिएटेड बाय मी एंड तारिक साहब वाज आल्सो देयर विद मी। सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। सो अच्छा था सारा सफ़र, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि एक साल के कम्प्लीशन पर हम इस टेलीविज़न को रिप्रजेंट कर रहे हैं और आज अपने सामने इतनी बड़ी काविश यानी कि तमाम पाकिस्तानी को देख रहे हैं। हम कहते हैं कि हमारी जो अचीवमेंट है वो यही है। सो तारिक साहब, आप अपनी कुछ फीलिंग्स शेयर करें। जी बिल्कुल, मैं जब आया था आपने मेरा मुझे अप्रूव किया था और यकीन मेरे लिए खुशी का मौका था, तो आपने मुझे जो बताया कि इस तरह से आपको प्रोजेक्ट दे रही हूँ तो मैंने कोशिश की थी, लेकिन मुझे खुशी बहुत हुई कि हमारी जो कम्यूनिटी है और उन्होंने बड़ा हमारा साथ दिया, और उन्हें जहाँ भी कोई इवेंट हुई, जहाँ भी कोई प्रोग्राम हुआ, चाहे वो काफ के थ्रू हो या हमारे मैसेज या जिस तरह की तकलीफ थी, हाल अफबरा थी, तो हमने कोशिश की कि हमने वहाँ जाएं, उसको कैप्चर करें और न्यूज़ वन के थ्रू जो है वो पूरी दुनिया में दिखाएं, यही हमारी ख्वाहिश थी। और हम किस हद तक कामयाब हुए हैं वो तो ज़ाहिर है कि आप ने देखा होगा। वैसे आप ये बताएं कि जब आप लोग मतलब जाती हैं मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ पे भी जी, जी, और लोगों के तासुरात लेती हैं, कैसा महसूस करती हैं कि लोग क्या कहते हैं हमारे टेलीविज़न के बारे में? बहुत अच्छे तासुरात हैं, एवरीबडी अप्रिशिएट्स हमारी इस एफर्ट को, और सबसे ज़्यादा हमारी एम्बेसी में जो हमारे एम्बेसडर हैं उनको कि इज़ ऑलवेज देयर इन एवरी इवेंट वे वी रिप्रेजेंट पाकिस्तान, तो थैंक्स टू हिम एज़ वेल फॉर हिज कोऑपरेशन, एंड वी आर वेरी प्लीज टू सी ऑल दिस हियर राइट नाउ, आई कैन जस्ट से दिस। प्लस अभी व्यूअर्स हम आपको ज़्यादा बोर नहीं होने देंगे, चाहते हैं कि अभी आप थोड़े से एंटरटेनमेंट, ठीक है हम वोक के बारे में आपको बताते रहेंगे लेकिन थोड़े से एंटरटेनमेंट टच के साथ। इस वक्त हमारे साथ इंडिया की एक बहुत अच्छी प्लेबैक सिंगर जो न्यू टैलेंट हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, एंड उन्होंने अभी लेटेस्ट मूवीज़ में लाइक व्हाट्स योर राशि, डेली बेली एंड नॉट अ लव स्टोरी, इस तरह की मूवीज़ में उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे सॉन्ग्स गाए और प्लेबैक सिंगिंग की हैं। शी इज़ द फ्यूचर ऑफ आवर साउथ एशिया, सो लेट्स वेलकम हर विद अ बिग अप्लॉज टू लिसन हर सॉन्ग। प्लीज़ वेलकम तरन्नुम मलिक। We will welcome her in with very well wishes with a set of flowers. So please, an applause again for Tarannum Malik. पुकारूं,
जब से देखे नैन तिहारे। I want everyone should join with me, with your claps, with your support. तेरी काली अखियों दी जिंद मेरी रागे, धड़कन से तेज दारू रखियों के आगे। अब जा छूट जाए ये जहां, छूट जाए संग प्यार रहे, मैं रहूं ना रहूं। Everyone with the claps. दिन रैन करूं चैन करूं, सजदा तेरा सजदा लखबार करूं, मेरी जान करूं। ओ अब जा लूट जाए ये जहां, छूट जाए संग प्यार रहे, मैं रहूं ना रहूं। Can you increase the volume of the track please? दिन रैन करूं ना ही चैन करूं, सजदा तेरा सजदा लखबार करूं, मेरी जान करूं। ये मेरा फर्स्ट टाइम है कुवैत में, एंड आई एम सो मच लविंग यू ऑल कि मैं फर्स्ट टाइम इनफैक्ट पाकिस्तान के लोगों के साथ परफॉर्म कर रही हूँ, इनफैक्ट उनके सामने परफॉर्म कर रही हूँ।
और मुझे बहुत 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 अच्छा लग रहा है कि मुझे अश्वाग जी ने स्पेशली इंडिया से बुलाया है यहाँ पे आप लोगों के सामने परफॉर्म करने के लिए. एंड आई एम रियली लविंग इट, आई एम रियली एंजॉयिंग इट. एंड आई होप कि आप भी हम लोगों को सपोर्ट करेंगे और आप हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं. इनफैक्ट आई एम सो मच लविंग विद दिस क्लैप्स, योर रिस्पॉन्सेज, थैंक यू सो मच. This is one of my favorite, और मुझे लगता है कि ये आप लोगों का भी बहुत फेवरेट होगा. Thank you so much. And definitely I'll be back with some more few songs, and I hope you like it. Are you enjoying it? I'm glad. So I'll be back in few minutes. Thank you. خواتین حضرات، یہ سلسلہ جاری رہے گا. آپ کا بہت شکریہ. ایک اور یہاں مقامی فنکار ہیں کویت کے، ہم ان کو دعوت دیں گے اور کوشش کریں گے کہ وہ آپ کو محسوس کریں. جناب مبارک الراشد. السلام علیکم، یعطیکم العافیہ. اسمحوا لی اسپیك انگلش، سوری سم مسٹیک. عربي
اسمحوا لي اذا في غلطه ولا شيء لانه مو مسوي براكتس يعني عادي يعطيك العافيه ثانك يو فيري ماتش mere naina mere naina saavan bhaadho سامحوني على القصور سوري سو ميستيك سوري اي كانت से तेरे जाने से
याद आने से फिर जाने से जान जा रही है, याद आ रही है तेरी याद आ रही है। जाना प्यार में पहले ये ना जाना तेरे बाद ये जाना प्यार में, जीना मुश्किल कर देगा ये दिल दीवाना प्यार में। जानिए कैसे सांस ये ऐसे आ जा रही है, याद आ रही जा रही है, याद आ रही है तेरी याद आ रही है। अल्लाह तआला के मशकूर हैं। जी महफिल तो माशाल्लाह बहुत जम रही है। अफरनिश आगे क्या है? आगे अभी